दोस्तों आज मैं उस चीज के बारे में आपसे कुछ विचार साझा करने वाला हूं जिसे लेकर दुनिया भर के लोग बटे हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि ये अनमोल है, तो कईयों का कहना है कि इसका कोई मोल ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यही एकमात्र चीज पूरे इंसानी इतिहास में रही होगी जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी ठीक से समझा नहीं सका कि ये अच्छी है या बुरी है। आज मैं बात करने वाला हूं पैसे की। जैसे ही मैंने पैसा कहा, आप में से बहुत से लोगों के मन में अभी से विचार आने लगे होंगे। कईयों को लग रहा होगा कि पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा नहीं तो लाइफ में कुछ भी नहीं। मतलब इन लोगों के लिए मनी इक्वल्स टू होल लाइफ। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए उनकी लाइफ में पैसे की कोई अहमियत नहीं है और कुछ बेचारे समझ नहीं पा रहे कि पैसा अच्छा है या बुरा। आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति हो, वीडियो के अंत तक आपके पैसे को लेकर जो भी सवाल है, जैसे भी विचार है, सब क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गाड़ी, घर, बंगला या पैसा? नहीं, किसी की भी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है खुशी। हम लाइफ में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, रोज नया युद्ध लड़ते हैं। किस लिए? ताकि खुशी मिल सके। लेकिन अगर खुशी ही सब कुछ है तो फिर पैसे का तो कोई मोल ही नहीं है, बात तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, क्योंकि खुशियों का और पैसे का एक गहरा नाता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। दोस्तों लोग कहते हैं कि पैसे का लाइफ में इम्पोर्टेंस है, मगर इससे खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। खुशियाँ तो अपने शुद्ध मन, अपने विचारों के साथ खुद ब खुद चली आती है। खुशियाँ पाने के लिए पैसे की नहीं, किसी के साथ की जरूरत होती है। मेरी अगर मानो तो हाँ, ये सच तो है कि अपने विचारों के साथ या किसी के साथ खुशियाँ पाई जा सकती हैं। लेकिन हम जिस दुनिया में, जिस कलयुग में जी रहे हैं, इस कलयुग की दुनिया के लिए यह बात कई मायनों में लागू नहीं होती है। यह कलयुग की दुनिया जो है ना, यह झूठ के नकाब से ढकी हुई है। लोग सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। कलयुग की बुनियादी धोखा, छल, कपट और झूठ पर टिकी है। कब कोई अपना ही धोखा दे जाए, कहा नहीं जा सकता। यहाँ लोगों को आपके अच्छे व्यवहार और विचारों से ज्यादा आपके पास ऐसा क्या है जिससे उनका फायदा होगा, इससे लगाव होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मेरी परिस्थिति नाजुक थी, तब लोग बातें तक करना पसंद नहीं करते थे। वो मुझसे और मेरी फैमिली से जितना हो सके उतना दूर रहना पसंद करते थे। और आज जब मैं एक अच्छी स्थिति में खड़ा हूँ तो लोग पीछे भागते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको मेरी इस अच्छी स्थिति से कुछ फायदा हो सकता है। आज अगर मैं फिर से खराब स्थिति में चला गया तो लोग फिर से दूर होने लगेंगे। इसलिए अपने अच्छे विचारों के साथ खुशियाँ पाई जा सकती हैं और सिर्फ इसी विचार के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये बातें दिमाग से निकाल दो और प्रैक्टिकली सोचो। यह सोचो कि क्या सच में पैसे की अहमियत नहीं है? क्या पैसा जीवन में कोई मायने नहीं रखता? इन सवालों पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो पैसे के बगैर हासिल नहीं की जा सकती। अगर हासिल कर भी ली तो वो उस स्तर की नहीं होंगी जिससे आप इस चुनौतियों भरी दुनिया में टिक पाओगे। और अगर टिक नहीं पाओगे तो फिर कैसे खुशियाँ हासिल कर पाओगे? ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट है और उन्हें हासिल करने के लिए पैसा ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? सबसे बड़ी चीज जो इंसान की सोचने की क्षमता को कम ज्यादा या अच्छा बुरा बनाती है, वो है एजुकेशन, शिक्षा। बिना एजुकेशन के या बिना नॉलेज के आप पैसे भी नहीं कमा सकते। इसलिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम है योर मनी और योर लाइफ। इसके साथ ही आप एक और बुक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों ये दोनों बुक्स आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। बट अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं एंड आपके पास बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप इन दोनों बुक समरीज को सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। दोस्तों कुकू एफएम इंडिया का एक ऐसा लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज सुनने को मिलती हैं, जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन है 399 रुपए का। लेकिन अगर आप हमारा कोड MW50 यूज करोगे तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी कि 399 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में। तो जल्दी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है कि एजुकेशन का लाइफ पर क्या असर पड़ता है। एजुकेशन सब लोग ले तो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एक अच्छा एजुकेशन जो इस कठिनाई से भरी दुनिया में आपको टिकाए रख सके, इसके लिए पैसों का होना बेहद जरूरी है। क्या आपको पता है दुनिया में अमीर और भी अमीर और गरीब और भी गरीब क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि गरीबों की जरूरतें तो बढ़ रही हैं, मगर पैसा नहीं, उल्टा पैसा कम होता जा रहा है। इसलिए एक अच्छी शिक्षा के लिए पैसा होना लाजमी है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पैसों का असली महत्व तो तब महसूस किया जाता है जब किसी इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं होती। हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जो आपके बने बनाए प्लान पर पानी फेरने का काम कर सकता है। खराब हेल्थ का असर आपकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, और अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं तो जिंदगी में खुशियाँ पाने का सपना भी मत देखना। पैसों के बिना सिर ढकने के लिए छत, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े और खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी इंसान के लिए दुर्लभ हो जाता है। इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ सपना तो जरूर देखता है। एक नौजवान एक अच्छी लाइफ के बारे में सोचता है। स्कूल में पढ़ने वाला लड़का एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने का सपना देखता है। माँ बाप अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा करने का सपना देखते हैं। एक बेटा अपने माँ बाप को जिंदगी की सारी खुशियाँ उनकी झोली में डालने का सपना देखता है। ये सभी चीजें तब पूरी हो पाती हैं जब जेब में पैसा हो। पैसे के बिना ना तो बेटा, ना ही माँ बाप और ना ही कोई नौजवान अपना सपना पूरा कर पाता है। कड़वी है, मगर इस कलयुग की दुनिया की सच्चाई है।
पैसा नहीं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, भले ही आप मन से कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। पैसे की किल्लत की वजह से जब कोई माँ बाप अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, तब समाज उनको ताना मारता है कि ये लोग अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए। ऐसे लोग बेटे को खाक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। लोगों के मन में आपकी अच्छी छवि तो रहती है, मगर खुद को आपसे ऊंचा ठहराने के लिए वो लोग आपकी इज्जत को खुलेआम बेइज्जत करते हैं। उन्हें पता होता है कि वो खुद तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, इसलिए आपकी इज्जत को सरेआम नीलाम करते हैं। लेकिन उसी जगह अगर आपके पास पैसा है तो यही लोग आपको सिर पर बिठा लेंगे ताकि आपकी नजरों में उनकी एक अच्छी छवि बन सके। इसलिए पैसे को डायरेक्टली ना सही, मगर उसके जरिए जो चीजें आपको मिल रही हैं, जो खुशियां आपकी झोली में गिर रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पैसे के महत्व को कहीं ना कहीं सम्मान देना चाहिए। शुरुआती समय में किसी भी कला को आजमाते वक्त उस कला की गहराइयों को समझने से ज्यादा उस कला से जो पैसा नामक वस्तु मिलती है उस पर ध्यान देते हैं। सोचते रहते हैं कि कलाकारी करने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे फलाना ढिमकाना खरीदूंगा। सीधा कहा जाए तो काम से ज्यादा काम करने से मिलने वाला पैसा लोगों का मोटिवेशन बन जाता है। सच बता रहा हूँ, यह जो पैसों का मोटिवेशन है ना, यही फिर इन लोगों को आगे भी लेकर जाता है, क्योंकि समय के साथ पैसों की भूख बढ़ने लगती है और इसीलिए उन्हें उस काम को और गहराई से समझना पड़ता है, जिससे पैसे के मोटिवेशन की धुन में कब आप उस काम के महारथी बन जाते हो इसकी आपको कल्पना तक नहीं होती। वैसे भी पढ़ाई करते वक्त या कोई काम करते वक्त हम हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं। जिस चीज को पाने के लिए हम मोटिवेशन की जिद में रहते हैं, उसी चीज से अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है। खुशियों को पाते वक्त किसी न किसी तरह पैसा एक जरिया बनता ही है, भले ही आप उसकी इज्जत ना करें, मगर इनडायरेक्टली वो आपकी मदद कर रहा है। मेरा तो यही मानना है कि जिंदगी बिताते वक्त आप पैसे को भले ही महत्व ना दें, मगर याद रखना आपकी जिंदगी की खुशियाँ इनडायरेक्टली पैसा ही आपको प्रदान कर रहा है। इसलिए पैसा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा तो नहीं, मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई काम इस वजह से पूरा ना हो पाया हो क्योंकि आपके पास पैसों की कमी थी, तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को एक सही राह मिल सके। और वीडियो से अगर कुछ हासिल करने जैसी फीलिंग जागी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।